आजमगढ़ के पटना में पहुंची बौद्ध धर्म की पदयात्रा। बौद्ध भिक्षु संघ के द्वारा सारनाथ से श्रावस्ती तक ऐतिहासिक चारिका पदयात्रा धर्म यात्रा का जगह जगह स्वागत अभिनंदन किया गया, जिसमें भिक्षु संघ को भोजन दान आजमगढ़ के पटना ब्लॉक परिषद में कराया गया। बौद्ध धर्म का कार्यक्रम डॉक्टर अशोक कुमार गौतम और उनके सहयोगियों द्वारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर पूर्व सांसद डॉक्टर बलराम हरिश्चंद्र गौतम, चंद्रशेखर गौतम, जिला पंचायत सदस्य गीता गौतम, जिला पंचायत सदस्य अशोक कुमार, डॉक्टर रुद्र कुमार गौतम, अजीत आजाद, डॉक्टर महेंद्र गौतम, डॉक्टर सोनू गौतम, डॉक्टर दिनेश कुमार, पप्पू राम, मनोज कुमार, रामेश्वर गौतम, दीपक बौद्ध, सुनील राजभर, पंकज कुमार, प्रधान राकेश राम, प्रधान राम अवतार गौतम और क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासी मौजूद रहे। देखिए पूरी खबर पवन पुरोहिया न्यूज पर। सतीश चौहान के साथ आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। लोग भगवान बुद्ध के शिष्य हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए, ये संदेश देने के लिए। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में है और सारनाथ में 5 भिक्षुओं को उपदेश दिए। हम लोग 3 महीना वर्षावास करने के बाद, भगवान बुद्ध ने नियम निकाला है कि वर्षावास करने के बाद भिक्षु मेरे धर्म को चारों तरफ फैलाओ। लोग भगवान बुद्ध के जो संदेश है भिक्षुओं के लिए, वर्षावास के बाद उन्होंने कहा कि भिक्षु चारों तरफ फैल जाओ, तो उन्होंने गाथा में कहा, चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अथाय हिताय सुखाय देव मनुष्यानं देशेत भिक्खवे धम आदि कल्याणं मध्ये कल्याणं परियो सांत सब जनं केवल परिपुण्यं ब्रह्मचर्यं पक्का। इसका अर्थ होता है भिक्षु मेरे धर्म का प्रचार करो, जो शुरू में कल्याणकारी हो और मध्य में कल्याणकारी हो, अंत में कल्याणकारी हो, ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोगों पर दया करके मेरे धर्म को प्रचार करूँ। गृहस्थ आश्रम वाले कैसे आए? गृहस्थ जीवन में जो होते हैं उनको त्रिशण पंचशील दिया जाता है। पंचशील त्रिशण हो गया, पंचशील का अर्थ होता है शील सदाचार, 5 शील का पालन करते हैं। आदमी को अच्छा बनने के लिए एक मापदंड है कि आदमी कैसे अच्छा बने, उसके लिए पंचशील है। जो गृहस्थ जीवन में है, मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, दूसरा है कि मैं चोरी नहीं करूंगा, तीसरा है कि मैं भयविचार नहीं करूंगा, चौथा है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पांचवा है कि हम नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे। ऐसा मन में जब वो सील लेता है तो पवित्र होता है, मन वचन से जो पवित्र होता है उसी को कहते हैं कि ये सील सदाचारी है। तो हम गाड़ी मोटर में कहीं भी रहेंगे, हम 5 सील का पालन करेंगे तो कोई हमको हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंतिम लोग 10 सील का पालन करना।